ओपन होता है। नमस्कार, न्यूज 111 में आपका स्वागत है। मैं हूं पूजा वर्मा। पटना गैंगरेप केस के चारों आरोपी पुलिस की गिरफ्त में हैं। जेल में बंद मुख्य आरोपी विनायक सिंह और संदीप मुखिया को पुलिस ने 24 घंटे की रिमांड पे लिया था और लगातार पुलिस उससे पूछताछ कर रही है। आपको बताएं कि पूछताछ में कई चौंकाने वाले खुलासे किए गए हैं। पूछताछ में विनायक सिंह ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है और संदीप मुखिया जो है वो वीडियो बनाने की बात उन्होंने भी स्वीकार कर ली है। आरोपी विनायक सिंह ने पूछताछ में बताया है कि रेप करने से पहले उसने नशीली और यौन वर्धक दवाइयां ली थी। विनायक ने बताया कि जीवी मॉल से कुछ दूर बोरिंग रोड कैनाल में स्थित टीपी मेडिकल हॉल से उसने नशीली दवाई खरीदी थी। जिस शॉप से विनायक सिंह ने नशीली दवाई खरीदी थी, पुलिस की टीम ने वहाँ ड्रग इंस्पेक्टर के साथ छापा मारा है। अरे पीछे आइए ना बाबा, हम शॉर्ट बनाते हैं। पुलिस ने दुकान की मालकिन सहित दुकान के चार अन्य स्टाफ को भी गिरफ्तार कर लिया है। वही दुकान से कई नशीली और यौन वर्धक दवाइयों को भी पुलिस ने जब्त किया है। अब पुलिस जो है वो लगातार आरोपियों से पूछताछ कर रही है और लगातार इन सारी मामलों को लेकर के अलग अलग खुलासे हो रहे हैं। जिस तरीके से बीते दिनों पटना में गैंगरेप होता है, एक लड़की को चार युवक मिलकर उसको उठाते हैं, उसके बाद किडनैप करते हैं और उसके बाद उसके साथ गैंगरेप की घटना को अंजाम दिया जाता है। और इस केस को लेकर के लगातार पुलिस के ऊपर एक दबाव बना हुआ था जल्द से जल्द कार्रवाई करने को लेकर के, जिसके बाद जो मुख्य आरोपी हैं दोनों ने एक एक करके सिविल कोर्ट में सरेंडर किया था। सरेंडर करने के बाद से पुलिस ने 24 घंटे की रिमांड पर उनको लिया था और लगातार पूछताछ कर रही है। और उसी पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि रेप की घटना को अंजाम देने से पहले युवकों ने ड्रग्स लिया हुआ था। और लगातार जिस तरीके से पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है, लगातार नए नए खुलासे हो रहे हैं। हम तमाम अपडेट्स आपको देते रहेंगे। फिलहाल इतना ही। नमस्कार। न्यूज 111 के वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं।